हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। स्थानीय निकाय चुनाव ने भीषण गर्मी के बीच सियासत के पारे को बढ़ा दिया है। एक ओर जहां आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा, वहीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किया। तो वहीं सिरसा के एलनाबाद में चेयरमैन पद के लिए भाजपा, जजपा और एचएलपी के संयुक्त उम्मीदवार राजेश कनवाड़िया ने भाजपा नेता गोविंद कांडा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा नेता गोविंद कांडा के साथ अन्य भाजपा नेताओं समेत स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले इलाहाबाद के शहीद उधम सिंह चौक के पास भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जहां भाजपा नेता गोविंद कांडा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शहर के विभिन्न बाजारों से जुलूस निकाला। यहां कई जगहों पर भाजपा नेता गोविंद कांडा और चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजेश कनवाड़िया का स्वागत किया गया। तो वहीं भाजपा नेता गोविंद कांडा ने गठबंधन प्रत्याशी के रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर आज विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा। इलाहाबाद में मुद्दे सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा में थोड़ा स्पेशल ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद सफाई का मुद्दा है, सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ हरियाली को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आज हमारे हाईकमान के आदेश से राजेश कनवाड़िया जी को जो टिकट मिली है और अभी हमने उनका पर्चा दाखिल किया है और आप देख रहे कि हजारों लोगों के साथ ऐसी कड़क धूप के अंदर जो हमारे साथ आ जाए हैं कुछ बाजारों में से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए, तो यहाँ से मतलब कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हजारों वोटों से विजयी होगा। टिकट तो 9 आदमियों ने अप्लाई करी थी, जिसकी किस्मत में होते उनको मिली है राजेश जी को, तो सभी उनके साथ हैं, सबकी विचारधारा एक है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हजारों मतों से कि ये इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन होगा।